हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में सभी लोग ऐसे नहीं थे कि रफी साहब से प्यार करते थे। कुछ लोग रफी साहब पर जलते भी थे, कुछ लोग नफरत भी करते थे, और कई बार उन्होंने ऐसा भी कहा कि रफी साहब सुरों में भले गाते हों लेकिन सुरों में बोल नहीं पाते, कुछ दूसरे गुलुगारों की तरह। उनके लिए आज का वीडियो है हमारा एक जवाब कि मोहम्मद रफी साहब किस कदर खूबसूरती से लफ्जों को बोलते भी थे सुरों के साथ, गाने के साथ साथ। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हिंदी फिल्मी गीतों में कुछ गाने ऐसे भी बनते हैं जो गाते गाते गुलुगारों को कुछ स्पोकन वर्ड्स को बोलना भी होता है और शब्दों की अदायगी को भी एक अलग अहमियत दी जाती है। कुछ ऐसे गीतों में अगर हम जिक्र करें तो बखूबी गाते हुए स्पोकन वर्ड्स को भी सुरों के साथ बोलना उसमें सलाहियत मानी जाती थी उन दिनों में के किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी, कुछ हद तक लता मंगेशकर जी भी स्पोकन वर्ड्स को गाते हुए सुरों के साथ बोला करते थे। लता मंगेशकर जी के लिए स्पोकन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना गाने के साथ साथ वो थोड़ा कंफर्टेबल कम रहा, लेकिन इस फील्ड में मास्टर रहे किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी। तो कुछ लोगों ने रफी साहब के बारे में ऐसा कहना शुरू कर दिया कि रफी साहब भले कितना भी सुरों में गाते हों लेकिन किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी की तरह सुरों में बोल नहीं पाते गाने के दौरान। अगर किशोर कुमार जी के स्पोकन वर्ड्स की बात करें तो फिल्म महान का गीत हर छोरी रानी हिया हर छोरा राजा, और सुनो सुनो इन घोंचू पाखंडियों की कार्यक्रम, अरे वड़की जिनको सुनकर टूट जाएंगे तुम्हारे सारे भरम। ऐसे कुछ और गीतों के साथ साथ आशा भोसले जी ने फिल्म खेल खेल में का एक गाना गाया था सपना मेरा टूट गया, जिसमें स्पोकन वर्ड्स को उन्होंने बखूबी प्रोनाउंस किया था सुनने के काबिल। गाड़ी को हवा से बातें कर रही है, देखो ना, मुझे डर लग रहा है। फिल्म यादों की बारात का जो गीत था आपके कमरे में कोई रहता है, इस गीत में आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी ने भी बड़े ही खूब अंदाज में स्पोकन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया था सुरों के साथ। कौन? मैं? जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। तो कुछ संगीत के पंडितों ने जो मोहम्मद रफी साहब को ज्यादा पसंद नहीं करते थे उन्होंने ये रूमर फैलाना शुरू कर दिया कि रफी साहब सुरों में बोल नहीं पाते, उनके लिए सुरों में बोलना उतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन आज हम आप सबको एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना सुनाने जा रहे हैं जिस गीत के शुरुआत में, गीत के शुरू में कुछ स्पोकन वर्ड्स हैं, साथ में आशा भोसले जी भी गा रही है। ये गाना उतना पॉपुलर हो नहीं पाया था, साल 1978 में बनी फिल्म का नाम था जलन। जलन फिल्म के लिए संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने और गाना था जो सोच के करेगा वो प्यार क्या करेगा, जो सोच के करेगा वो प्यार क्या करेगा, आगाज से पहले ही अंजाम। इस गीत के ओपनिंग के जो कुछ स्पोकन वर्ड्स थे जिसमें वो जादू सुनते ही बनता है कि मोहम्मद रफी साहब ने बड़े ही सुरीले अंदाज में प्यार का इजहार करते हुए एक नौजवान की आवाज को किस तरह से प्रोनाउंस किया, सुनते हैं ये प्यारी सी। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ। आप क्या चाहती हैं? ये तो नहीं हो सकता, कुछ और फरमाओ। साजना सही मेरे साथी बन जाओ। ये भी मुश्किल है, कोई और काम बताओ। साथी ना सही मेरे दोस्त ही बन जाओ। अरे अरे अरे,
ये तो सोचना पड़ेगा। तो सोचते रहो। तो रफी साहब में वो पूरी सारी की सारी सलाहियतें थी जो एक मुकम्मल गुलुगार में होनी चाहिए। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। पछतावा अतीत नहीं सुधार सकता, चिंता भविष्य नहीं बदल सकती, इसीलिए सिर्फ वर्तमान ही है जो जीवन का सच्चा आनंद लेने का जरिया है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।